बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल हिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। एज यू नो, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट ओल्ड एंड न्यू ऑब्जेक्ट्स। टुडे वी विल लर्न द फंक्शंस ऑफ सेल फोन। सो ओपन बुक पेज नंबर 35। हियर इज मेंशन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल फोन। फर्स्ट इज सेटिंग। What is the function of setting? It is used for date set, timing set and wallpaper setting and extra. इसको हम जो है बेटा डेट सेट करने के लिए, वॉलपेपर सेट करने के लिए, और मोबाइल में कोई भी अगर हमें सेटिंग, जैसे कि हमें ट्यून सेट करनी है, अलार्म सेट करना है, पूरे मोबाइल्स की सेटिंग जो है वो सेटिंग ऐप्स में होती है। सो आई राइट हियर फॉर सेटिंग। What is the function of setting? For setting. Setting का function क्या है? For सेटिंग एंड इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं मोबाइल की। सेकेंड इज़ गूगल मैप्स। गूगल मैप्स इट इज़ यूज फॉर लोकेशंस। हम इसको लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कहीं आपने जैसे कराची, हैदराबाद, लाहौर वगैरह जाते हैं तो आप गूगल मैप से देख सकते हैं कि आपका बाकी कितना डिस्टेंस रह गया है और आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट में हैं, ईस्ट में हैं, और बाकी आपका डिस्टेंस कितना कवर किया है और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस आपका कितना है, तो हम गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं। सो इस फंक्शन इज फॉर लोकेशन। थर्ड इज क्लॉक। इट इज़ यूज फॉर अलार्म। हम अलार्म लगाते हैं क्लॉक पे, जैसे हमें कोई चीज़ भूल जाती है तो हम रिमाइंडर के लिए जो है अलार्म्स क्लॉक्स पे क्या लगाते हैं, क्लॉक पे अलार्म्स लगाते हैं। जैसे आपने कोई 2 o'clock में कोई काम करना है तो आप क्या करेंगे, 2 o'clock का अलार्म लगा देंगे, फिर आपको क्लॉक अलार्म जो है वो लगे बजना शुरू हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे अलार्म्स पे आपको अपना जब देखेंगे तो आपको अपना काम याद आ जाएगा कि मैंने ये अलार्म इसके लिए लगाया था, तो आप फ़ौरन उठ जाएंगे। जैसे कि आप सुबह सुबह जब कुरान पाक पढ़ना होता है आपने, तो आप क्या करते हैं, सुबह सुबह उठा नहीं जाता तो आप अलार्म लगा देते हैं कि मैंने इतने बजे उठ के अपना नमाज पढ़नी है या कुरान पाक पढ़ने जाना है या घर पे पढ़ना है। तो इट इज़ यूज, इट्स यूज इज फॉर अलार्म। नेक्स्ट इज ट्विटर। ट्विटर इज़ अ सोशल सर्विस। ट्विटर बेटा क्या है? सोशल सर्विस ट्विटर। दिस इज ट्विटर बेटा। ट्विटर जो है वो एक सोशल वेबसाइट्स है जिसे हम मैसेजेस जो होते हैं वो रिसीव और सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ट्विटर इज़ अ सोशल वेबसाइट दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव शॉर्ट पोस्ट कॉल ट्वीट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हम ट्विटर पर मैसेजेस रिसीव और सेंड करते हैं उसको हम मैसेज नहीं कहेंगे या टेक्स्ट नहीं कहेंगे, उसे हम जो है ट्वीट्स कहेंगे। जैसे कि आप न्यूज़ में सुनते हैं कि इमरान खान ने आज ये ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो ने ये ट्वीट किया, तो जो उनके मैसेजेस होते हैं यानी कि इंफॉर्मेटिव जो मैसेज होते हैं उसे हम ट्वीट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्वीट्स। सो इट्स फंक्शन इज सोशल सर्विस। टेक पिक्चर्स फ्रॉम कैमरा। हम कैमरा से क्या लेते हैं? पिक्चर्स लेते हैं। सो आई राइट हियर टेक अ पिक्चर्स। डियर स्टूडेंट, यू कैन लुक हियर द सेल फोन एंड इन विच यू कैन लुक हियर द डिफरेंट functions, almost same function in all mobile cell phone, but few is different. सब मोबाइल फ़ोन में जो फंक्शन होते हैं तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गूगल है। इन गूगल वी विल सर्च इन एनी थिंग्स। हम गूगल में कुछ भी चीज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसकी भी डिफरेंट ऐप्स होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट, इट इज़ यूज फॉर ऑफिस वर्क। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट जो होती हैं इसमें भी ऐप्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एमएस वर्ड है। पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एमएस वर्ड में जो है हम अपनी स्लाइड्स, जैसे आपके पेपर्स बनते हैं तो उसमें जो कॉलम्स वगैरह या फिर आपकी जो अवार्ड शीट वगैरह बनती है तो वो एमएस वर्ड में हम बनाते हैं। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर लिखने हैं आपने तो वो आप एमएस वर्ड में करते हैं, और कोई प्रेजेंटेशन होती है तो आप पावर पॉइंट पे करते हैं। गैलरी, गैलरी में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखते हैं। कैमरा से हम पिक्चर्स लेते हैं, और रेडियो, रेडियो से हम जो है सॉन्ग्स और कोई भी नात वगैरह हम रखते हैं। प्ले म्यूज़िक, म्यूज़िक में हम म्यूज़िक अपने फेवरेट रखते हैं। डिक्शनरी भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी हम जो है वर्ड्स लिख के उसका मायने देख सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे कॉल लिखते हैं, CALL कॉल। आपने सर्च किया तो आपको पता चल गया कि कॉल का मीनिंग क्या है। आप इसकी प्रोनाउंसिएशंस भी सुन सकते हैं। तो सेम जो है तकरीबन सब मोबाइल्स में फंक्शंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन आप यूज़ भी करते हैं गेमिंग के लिए भी, आजकल तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक अ कॉल, वी यूज मेक फोन ऐप फॉर अ कॉल, सेंड मैसेज, मैसेजेस बॉक्स, टेक अ पिक्चर्स फॉर फ्रॉम कैमरा, रिकॉर्ड वीडियोस फ्रॉम कैमरा एंड अदर ऐप, प्ले गेम्स, वी यूज गेम्स ऐप, ड्रा पिक्चर्स, वी यूज MS Word फॉर ड्रा पिक्चर्स। हम ड्रा पिक्चर करने के लिए MS Word में जाते हैं, पेंटिंग में जाते हैं और वहाँ पे हम ड्रा पिक्चर्स कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में हम बेटा प्रिंटर यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी हम हार्ड कॉपी में प्रिंट के साथ अटैच करके सेल फोन को डॉक्यूमेंट्स अपने हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मोबाइल फोन्स। सो इस योर होमवर्क, यू विल कम्प्लीट बुक पे नंबर 35 एंड आल्सो यू विल राइट द फेवरेट फंक्शन ऑफ योर मोबाइल फ्रॉम योर मोबाइल फोन, राइट ऑन योर कॉपीज एंड रफ कॉपीज एंड सेंड इन ग्रुप। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।